हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मड़ा में माता जलजलिया देवी के मंदिर को दिखाएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आप सबके लिए आज मैं मड़ा जलजलिया के पास आया हूँ, तो आप देखिएगा अंदर जाकर। मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको बता दें कि यह सिंगरौली मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर माड़ा में स्थित है, तो आप यहां आना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आएं। यह बहुत ही शांत क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर सुशील यहां की बनावट है, तो एक बार ज़रूर आएं। यहां पर शेषनाग के मुंह से पानी निकल रहा है और शंकर जी पर गिर रहा है। यह बहुत ही अद्भुत स्थान है, यहाँ पर शिव जी और माँ जलजलिया देवी विराजमान हैं। आप देखिए, चलिए माँ जलजलिया देवी का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आप देखिए एक बार मंदिर का स्वरूप, अंदर में एक पानी का कुंड मिलेगा, आपको दिखाएंगे। आप एक बार मंदिर के द्वार से नीचे का स्वरूप देखिए, बहुत ही अद्भुत। नीचे में शेषनाग जी हैं जिनके मुंह से पानी निकल रहा है और शिव जी पर गिर रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत चित्रण किया गया है। यहाँ पर दो मंदिर भी हैं, आप देखिए। यहाँ पर एकदम प्राकृतिक रूप से पानी का आवाज आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। माता जलजलिया देवी मंदिर आप देख सकते हैं, यह मड़ा में स्थान है। माता जलजलिया देवी मंदिर मड़ा के जंगल में है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर और शेषनाग जी विराजमान हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ का बहुत अद्भुत चित्रण किया गया है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें माँ शेरावाली का द्वार है, आप देखेंगे। और बगल में एक और मंदिर है, उसको भी देखेंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और दर्शन कीजिए।
आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ दुर्गा जी का मूर्ति है, बहुत ही अद्भुत चित्र है आप देख सकते हैं। और दूसरे मंदिर में शंकर जी विराजमान हैं, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही अद्भुत। यहाँ माड़ा में हर जगह कुछ न कुछ ज़रूर है। अभी पूजा का समय है तो चलिए देखते हैं। आगे कुंड भी देखेंगे। तो अभी पूजा हो गया है तो अभी कुंड दिखाते हैं। आशीर्वाद लिया जा रहा है। पूरा शाम को जा रहेगा यहाँ पे। और खास तौर पर यहाँ सबसे ज्यादा चढ़ावा क्या चढ़ाया जाता है? फल फूल, नदी, रोड, सजाना पूजा होता है। बाबा जी आपका शुभ नाम? मेरा है संत रामानंद। यहाँ कब से मतलब आप देख रेख कर रहे हैं? उनको वैसे देखिए हम लोकल रहने वाले जन्मभूमि है, यही वहाँ सिंगरौली के ये माड़ा गांव। अच्छा, माड़ा गांव, माड़ा गांव में यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा मेरा बस्ती है। अच्छा, कौन सा गांव? माड़ा बता रहे हैं। अच्छा, माड़ा में आता है तो ये माड़ा में माँ के दरबार, ये माड़ा पूरा पहाड़ है माड़ा। अच्छा, हाँ। और यहाँ कितने साल हो गए आपको? 8 साल हो गए। 8 साल से लगातार पूजा पाठ चल रहा है, तब से सही हालत यही है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आएगा भूताल दह के बारे में, तो कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।